तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक मूवी की जिसका नाम था कांतारा, और देखेंगे कि वो मूवी कैसे हिट हो गई, और अगर मूवी में वो कुछ ना होता तो मूवी जाती फ्लॉप। आइए जानते हैं कि मूवी में ऐसा क्या था जिससे जो मूवी है वो हिट हो गई। वीडियो में एंड तक बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस आती रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे कांतारा हिट क्यों हुई। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्लॉट की। प्लॉट जो मूवी में था वो एक मिथिकल प्लॉट था, यानी कि वो रियल नहीं था, और इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी थी वो कुछ ऐसी थी जो वो मिथिकल प्लॉट है वो भी रियल लगता है। जब भी वो मूवी देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये गांव है कांतारा नाम से, और ये गांव एक रियल गांव है, ये मूवी ऐसी वाइब देखा जाती है। दूसरी बात आती है इसके एक्शन सीक्वेंसेस की। इसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, जो बुल रेस दिखाई गई है, वो उन्होंने काफी प्रिपरेशन के साथ किया है। उन्होंने काफी शॉट्स दिए हैं, और ऋषभ शेट्टी ने ये जो सीन था वो रियल दिया है, यानी कि उन्होंने कोई बॉडी डबल नहीं यूज किया, और ये सीन जो था वो एकदम असली में दिया है, खुद दिया है, किसी को यूज नहीं किया है। काफी रीटेक्स लेने पड़े, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा हमें जो है वो सिनेमा प्रोवाइड किया है। तीसरा जो आ जाता है वो आता है इसके कल्चर को दिखाने का। उन्होंने कल्चर जो है वो काफी अच्छे ढंग से दिखाया है, यानी कि इसमें जो वो मेले आते हैं और वो सेलिब्रेट करते हैं अपने त्योहारों को, वो काफी अच्छे से दिखाया है। चौथा आ जाता है इसके कल्चर को लेके। कल्चर जो है वो काफी अच्छे ढंग से दिखाया गया है। अच्छे ढंग से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि भारत के लोग जो है वो अपने कल्चर से जुड़े हुए, और उन्हें वो मूवीज देखना ज्यादा अच्छा लगता है जिसमें अपने कल्चर को एक अच्छे ढंग से दिखाया गया। इसलिए लोग उस मूवी को ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें अपने कल्चर की तारीफ की गई हो और उसे एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे मैनर से दिखाया गया हो। पांचवा आ जाता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो काफी लाजवाब है, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। अब मैं ये मूवी थिएटर में देख रहा था तो मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे, इतनी अच्छी मूवी बनी है ये। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो आपकी वेट जो है वो खत्म हो गई है। मूवी आज रिलीज हो गई है OTT प्लेटफॉर्म पे, और आप इसे जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में आई थिंक हिंदी में भी रिलीज नहीं हुई है, थोड़ी सी वेट कीजिए, हिंदी में भी आ जाएगी। तो इसी की वजह से अगर कांतारा में ये जो मैंने बातें बोली अगर ना होती तो कांतारा फ्लॉप हो सकती थी। इसलिए ये मूवी हिट गई है क्योंकि इसमें जो कुछ था सभी कुछ बेस्ट था, और ये मूवी सिर्फ 15 करोड़ में बनी थी जो कि 400 करोड़ कमा गई। तो ये एक तारीफ की बात है, वो भी एक साउथ इंडियन मूवी। मानता हूँ कि साउथ इंडियन मूवी जो है वो आजकल बहुत कमा रही हैं, बहुत अच्छी जा रही हैं, लेकिन उसमें से कुछ मूवीज जो ऐसी हैं वो काफी बजट में बनी थी इसलिए वो हिट गई, जैसे कि RRR हो गई, KGF 2 हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये जो मूवी थी वो सिर्फ 15 करोड़ में बनी थी, और ये ऋषभ शेट्टी की बहुत ही बढ़िया मूवी रही है। कोई भी इसे डायरेक्टर के कारण नहीं देखने गया, कोई भी इसे ये नहीं देखने गया कि एक्टर कौन सा है, सब देखने गए इसके विजुअल ट्रीट की वजह से, इसकी स्टोरी की वजह से, और जो इन्होंने भारत को दिखाया है, गांव को दिखाया है, उसकी वजह से। और इसे देखकर बॉलीवुड डायरेक्टर्स को काफी एक सीख मिली होगी कि इतने बजट में भी एक अच्छी स्टोरी को लेकर आप ऑडियंस जो है वो अपने तरफ ला सकते हैं। चलिए गाइस, अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और अगली वीडियो में मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो पसंद की तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए गाइस, टेक केयर।